टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक महत्वपूर्ण खबर लेकर जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो यानी कि ये ज़रूर कहेंगे हम ओल्ड पेंशन स्कीम धारक हों या न्यू पेंशन स्कीम धारक हों, ये उनके लिए खबर है। खास करके आपने देखा होगा आपके पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में काफ़ी अरसे से ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किए जाने को लेकर लगातार आंदोलन था। जम्मू कश्मीर में भी दिखा इस तरह की खबर लेकर आते हुए, पर जम्मू कश्मीर में तो आप पता ही है कि कोई अगर आवाज़ उठाएगा, सरकार को आवाज़ उठाना पसंद नहीं, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो आम जनता हो, कोई भी अपनी आवाज़ को पूरी तरह से उठा नहीं सकता, अपने हक की बात को कर नहीं सकता, क्योंकि जल्दी से यहाँ पर धारा 144 लग जाती है। और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर तो वैसे भी साफ तौर पर कहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट करने का उसको अधिकार नहीं है, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर यह है कि OPS वर्सेज NPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, एक और राज्यों में लागू हुई पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकार ने किया बड़ा ऐलान। बताना चाहेंगे कि क्या ये पूरा ऐलान क्या है, वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। कई और भी राज्यों में इस तरह की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया और आज फिर एक राज्य में जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया गया, बताना चाहेंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये आपको बता दें कि एक और राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया गया। सरकार ने अपने ऐसे 13,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिन्हें 1 अप्रैल 2006 से पहले अधिसूचित किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति बाद में हुई थी। इस अपडेट से जुड़ी पूरी डिटेल जानने के लिए आपको पूरी खबर हमारी देखनी होगी। बताना चाहेंगे कर्नाटक सरकार ने अपने ऐसे 13,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना यानी OPS ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिन्हें 1 अप्रैल 2006 से पहले अधिसूचित किया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति जो थी अपॉइंटमेंट जी थी बाद में हुई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर यानी कि जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया कि उन्हें नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारियों के ये वादा किया था कि उन्होंने वादा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो ये उनकी मांग को पूरा करेंगे। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि जो आपको बताना चाहिए कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने बुधवार को जो एक्स पर पोस्ट किया, चुनाव से पहले मैंने उस जगह का दौरा किया था जहां कर्मचारी नई पेंशन प्रणाली के खिलाफ हड़ताल कर रहे थे, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ जो कर्मचारी थे वो हड़ताल कर रहे थे और ये मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि मैंने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद मांग को पूरा किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 कर्मचारियों के परिवार को राहत मिली होगी। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 NPS कर्मचारी के सभी परिवार को राहत मिली होगी, खुशी मिली होगी। पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकार कर्मचारी यानी कि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन के हकदार होते थे और कहीं ना कहीं जो इंसान पूरी उम्र जिसने अपनी यानी कि लगभग 58 या 60 साल उम्र अपनी विभाग को दे दिए और उसके बाद जब वो रिटायरमेंट होता तो उसे उम्मीद होती है कि कम से कम बुढ़ापे में एक पेंशन ही है जो उसका सहारा बनती है, जो उसके जीने की यानी मकसद बनती है, किसी के आगे उसे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। और जब उसी ओल्ड पेंशन स्कीम को NPS में न्यू पेंशन स्कीम में बदल दिया गया तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों को एक चिंता सताने लगी। उसी के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी जो थे रिटायरमेंट के बाद मासिक जो कि पेंशन पाते थे, जिसे हकदार थे, जिसका उनका यानी घर का खर्चा अच्छे से चलता था, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला मासिक पेंशन आमतौर पर व्यक्ति के अंतिम आहरित वेतन का आधा होता था, यानी जो उसे तनख्वाह मिलती थी उसका आधा हिस्सा से मिलता था। पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में बंद कर दिया गया था, यानी ये कब पेंशन बंद हुई थी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो योजना थी ये 2003 दिसंबर 2003 में से बंद कर दिया था, जिसके बाद एक नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 को लागू की गई। इस नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी हर महीने अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में डालते हैं, इसके आधार पर वो रिटायरमेंट पर एक साथ इकट्ठे पूरी राशि के हकदार होते हैं। यह है न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम को। एक और यानी कि राज्य में न्यू पेंशन स्कीम को जो कि लागू किया गया है और जिससे
जो राहत, यानी कि कर्मचारियों को राहत मिली है, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि कर्नाटक सरकार ने ये कदम उठाया है, और भी एक दो राज्यों में इस तरह के कदम उठाया, पर कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं जब से न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया। लगातार अलग अलग राज्यों में सरकार जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर बैठे हुए थे कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। आपने देखा जम्मू में भी कई कर्मचारी बैठे थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो कर्मचारी अपने कामकाज को चल पड़े, और साथ ही साथ सरकार के इस आदेश को, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश को, कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी डिमॉन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होगा। तो जनाब एक तरफ से नौकरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ से अगर वो इस तरह की यानी डिमॉन्स्ट्रेशन अपने हक की बात करें तो उन पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई होगी तो कौन इस पचड़े में फंसना चाहेगा। लोग बेचारे चुप हो गए हमारे जम्मू कश्मीर के, पर ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं एक और राज्य में, यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जो उन्होंने 13,000 अपने कर्मचारियों को फिलहाल जो एनपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उन्हें यानी कि उसके तहत लाया, 13,000 जो कर्मचारी उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 13,000 परिवारों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी कि जो इस उम्मीद में थे कि आज नहीं तो कल उनकी इस मांग को पूरा किया जाएगा। और साथ ही साथ साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने ये कहा कि उनके जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि मैंने जब वादा किया था, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि मैंने इन एम्प्लॉय से जहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वहां जाकर उनसे वादा किया था अगर हम सत्ता में आएंगे तो अब की इस मांग को जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल ये जरूर कहेंगे वहां के मुख्यमंत्री को सैल्यूट है जिन्होंने अपने वायदे को पूरा किया और सत्ता में आने के बाद वो वादा पूरा करने जा रहे हैं। काश जम्मू कश्मीर में भी नेता लोग जो वादे करते हैं या सरकार सत्ता में आने से पहले वादा करती है वो काश पूरा किए, जिनमें हमारे डेली वेजर्स आते हैं, होमगार्ड्स आते हैं, जो एसपीओज आते हैं और कई सारे यानी कि कॉन्टिजेंट वर्कर्स आते हैं, लैंड डोनर्स आते हैं, काश उनकी भी इस तरह से वायदा किया गया था 2014 में कि अगर हमारी सत्ता में सरकार अगर केंद्र में आएगी तो सबसे पहले डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा। इस तरह का वादा जम्मू कश्मीर में भी जो होने किए हैं पूरे होने चाहिए। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी कर्नाटक के 13,000 कर्मचारियों को सरकार ने राहत दी है और ओल्ड पेंशन स्कीम जो उन्हें देने का 13,000 कर्मचारियों को जो उसके अंतर्गत लाया, कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि उन्होंने कहा कर्नाटक के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि मैंने सत्ता में आने से पहले वादा किया था अगर हम सत्ता में आएंगे तो आपकी इस बात को जरूर पूरा करेंगे। फिलहाल 13,000 परिवारों के चेहरों पर खुशी आई जिन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट अपने सुझाव हमें दीजिएगा, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।